दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया को वर्ल्ड कप का चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम से हार के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई खूंखार खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने रोहित के सम्मान में उनके पैर छूकर लिया उनका आशीर्वाद, तो एक खूबसूरत नजारा देखकर खुद रोहित और उनकी पत्नी रितिका के भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो आखिर अचानक क्यों ट्रेविस हेड विदेशी खिलाड़ी होने के बावजूद रोहित के आगे घुटने टेकने पर हो गए मजबूर? क्यों ट्रेविस हेड ने रोहित के पैर छूकर लिया उनका आशीर्वाद? कैसे ट्रेविस हेड ने अपने गुरु के चरणों में झुककर जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल? पर खूबसूरत और बेमिसाल लम्हा हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 2023 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला हो या फिर वनडे वर्ल्ड कप 2023-2003 हो, हर मौके पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दिल तोड़ा था, लेकिन आज जैसे ही भारत ने उसे घुटने पर लाया यकीन मानिए हर भारतीय क्रिकेट फैन की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। टी20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 के अहम मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अब बाहर होने की कगार पर खड़ा है। उसकी किस्मत बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच पर निर्भर है। भारत ने रोहित की कप्तानी पारी के दम पर 205 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने विध्वंसक आगाज किया। हमेशा दर्द देने वाले ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ 76 रन ठोके, लेकिन जब वे आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैदान पर आग उगलना शुरू कर दिया और एक के बाद एक अर्शदीप बुमराह अक्षर पटेल ने मिलकर विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर खेलते हुए अपने 7 विकेट खोकर केवल 181 रन बनाए, जिसके कारण टीम इंडिया ने 24 रनों से ऐतिहासिक जीत सेमीफाइनल में दर्ज कर ली और अनोखे अंदाज में सेमीफाइनल में एंट्री मारी। वहीं इस मैच के रियल हीरो रहे रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिल गया। भारत की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी, मानो हिंदुस्तान में दोबारा से दिवाली मनाई जा रही हो। वहीं घमंडी ऑस्ट्रेलिया टीम फूट फूट कर रो रही थी, उनके सभी खिलाड़ियों की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, मगर भारतीय खेमे में खुशी की लहर थी। लेकिन आपको बता दें जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाकर मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे तो उसी दरमियान एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। जी हाँ, भारत के मैच जीतने से ज्यादा चर्चा उस लम्हे की हो रही है। आपको बता दें जब सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो उसी दरमियान ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड रोहित शर्मा को देखकर उनके पास आए और जाते ही उन्होंने उनका पैर छू लिया। नजारा देखकर खुद रोहित शर्मा की अभी आंखें फटी फटी रह गई। इतना ही नहीं, वह स्टेडियम में बैठे दर्शक के साथ साथ ऋतिक पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ट्रेविस हेड ने क्यों रोहित के पैर छू लिया। रोहित शर्मा भी पूरी तरह से दंग हो गए थे, लेकिन तुरंत रोहित शर्मा ने उनका कंधा पकड़कर उठाया, गले से लगा लिया और फिर ट्रेविस हेड की पीठ थपथपाते हुए रोहित ने उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर बधाई भी दी, लेकिन इस लम्हे ने हर किसी का दिल जीत लिया। फिर ट्रेविस हेड रोहित शर्मा काफी देर तक मैदान में एक साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। हर कोई इस लम्हे को देखकर सलाम कर रहा है और अब यह लम्हा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। रोहित शर्मा के चाहने वाले फैंस अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेविस हेड ने गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन करते हुए करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है रोहित शर्मा इस बार भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की कभी न भूलने वाली जीत और रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी खुशी से पागल हो गई और फिर टीम इंडिया के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल ही जीत लिया। जी हाँ साथियों, भारत को अभी से वर्ल्ड कप का चैंपियन घोषित कर दिया गया है, तो आखिर भारत की जीत पर सानिया ने क्या कुछ कहा, दिल जीत लेने वाला बयान दिया, कैसे सानिया ने तारीफ के कसीदे पढ़कर पूरे हिंदुस्तानियों को कर दिया हैरान, किसे उन्होंने बताया जीत का सबसे बड़ा हीरो, या तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल की लड़ाई के लिए डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जबरदस्त मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यह फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ क्योंकि भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मैदान पर तांडव मचाकर तूफानी अर्धशतक ठोक दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारतीय टीम ने इस मैच में 20 ओवर खेलते हुए 5 विकेट खोकर 205 रन ऑस्ट्रेलिया के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया शुरुआत कुछ खास नहीं रही। वार्नर चरण बनाकर पवेलियन आउट हुए, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने तूफानी बल्लेबाजी की, भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और 50 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली, लेकिन फिर कुलदीप यादव ने आकर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर वही हेड और मैक्सवेल मैदान पर टिके हुए थे और ये दोनों बल्लेबाज भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों पर हावी होना चाहते थे, लेकिन तभी फिर कुलदीप यादव ने मैच को पलटा और मैक्सवेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। उसके बाद भारतीय गेंदबाज धीरे धीरे मैच में वापसी करना शुरू कर दी और देखते देखते टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया, सेमीफाइनल में जगह भी पक्की कर ली। भारत की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूमता रहा।
हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत और सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी और मानो भारत में दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। हर कोई जीत को सेलिब्रेट अपने अपने अंदाज में कर रहा था और भारत की यह कभी न भूलने वाली जीत देखकर सानिया मिर्जा भी काफी खुश हो गई और फिर उन्होंने टीम इंडिया के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल जीत लिया। इसके बाद उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और हर कोई उन्हें खूब पसंद करने लगा। तो चलिए अब हम आपको सानिया का वह बयान सुनाते हैं। भारत की जीत पर खुशी से झूमती हुई सानिया मिर्जा ने बयान दिया और कहा कि वाह टीम इंडिया, यह एक ऐतिहासिक जीत है। आपको सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई। जितनी भी तारीफ करूं खिलाड़ियों की कम है। सभी खिलाड़ियों ने अपने अहम योगदान दिया है, लेकिन रोहित इस मैच के रियल हीरो हैं। उन्हीं की वजह से भारतीय टीम इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंची है। मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया इस बार जरूर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। मुझे रोहित शर्मा पर पूरा भरोसा है कि वह इस बार जरूर टीम इंडिया को चैंपियन बनाएंगे। हर खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया है और यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था। एक समय पर तो मेरी सांसें थम चुकी थी जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान पर तांडव मचा रहे थे, लेकिन खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया और भारत को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सानिया मिर्जा ने भारत की जीत पर खिलाड़ियों के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेंबर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो सेमीफाइनल की लड़ाई के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। पहले रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की उड़ाई धजिया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी पलटवार करते हुए मैच को पलट दिया। तो आखिर इस हैरान कर देने वाले मुकाबले में किस टीम ने मारी बाजी, किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत, किस खिलाड़ी ने लगाए सबसे अधिक छक्के, कौन सी टीम ने सेमीफाइनल में बनाए हैं जगह, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने डेरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर उतरी। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था, या यूं कह लीजिए करो या मरो का मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीत कर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह कप्तान रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली उतरे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और अपने पहले ओवर में केवल 5 रन दिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज जोश हेजलवुड, वो काफी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को टीम डेविड के हाथों पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन चले गए। 6 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया का पहला झटका लग गया, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। दोस्तों, भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद आया मिचेल स्टार्क का बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए रोमांचक मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच उन्होंने हार के बाद भारतीय टीम को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद मिचेल स्टार्क ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारतीय टीम की इस मैच में शानदार जीत के असली हीरो कौन है, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच आज खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 206 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर के अंदर 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने 41 गेंदों पर सबसे ज्यादा 92 रनों की पारी खेले, तो दूसरी तरफ से ट्रेविस हेड की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली थी, जिसके चलते मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया। लेकिन अंत में भारतीय टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया, जिसके बाद कंगारू गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि हमारी टीम के खिलाड़ी इतना ज्यादा खराब प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। इस मैच के अंदर भारतीय टीम ने काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है
और सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने तो इस मैच के अंदर शानदार गेंदबाजी से हमारी टीम को परेशान किया। ऐसे में आज के दिन हमारी टीम को मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि इस मैच में हमारी टीम को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी, लेकिन हमारी टीम के खिलाड़ियों ने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसके चलते हमारी टीम इस मैच को हार गई।